हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो अभी टाइम हो रहा है 11:44। सो आज का जो व्लॉग है वो है बेसिकली ऑन हाउस क्लीनिंग अगेन। सो वो जो पहले था वो तो नॉर्मल क्लीनिंग था, बिकॉज अभी क्या होता है कि बच्चे खेलते हैं, मस्ती करते हैं, तो जो कारपेट होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, वो थोड़ा स्मेल भी कर रहा है। सो इसलिए मैंने घर पर बुलाया है कारपेट क्लीनिंग वाले को फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सी द एक्सपीरियंस आउट, बिकॉज उनकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। सो रीजनेबल प्राइस में मेरे दोनों रूम के हो जाएंगे। अगर मैं एक लेने वाला था तो मुझे कॉस्ट पड़ रहा था 2,000 to 2,500, पर मेरे को दोनों मिला के पड़ रहा 3,500। आई थिंक ज़्यादा भी हो सकता है प्राइस, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए। सो मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे ये जगह मिली जहाँ से मैं ये कर सकता हूँ बेसिकली। सो अभी वो आएंगे 2 बजे के आसपास, स्टिल 1.5 आवर्स टू गो। सो आज का जो मौसम है वो थोड़ा लीजी सा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बारिश कम और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नथिंग एल्स। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ वो क्या क्या काम करने वाले हैं। के लिए थोड़ी कम हो सकती है, तो जो बेड्स थे हम ज़मीन पे रखते हैं, तो अभी बेड फ़िलहाल वहाँ पे रखे हुए हैं। सो अभी ये जो कारपेट है ये पूरा क्लीन होगा, बाइक को मेरे को उठा के कहीं और रखना है। सो ये पूरा कारपेट आज वॉश होने वाला है शैम्पू से, और उसके बाद उसको चाहिए कुछ 2 to 3 आवर्स, उसके ऊपर कोई चलना नहीं चाहिए। सो वो एकदम ड्राई हो जाए, उन्होंने मुझे कहा है कि फ़ैन हमेशा चालू रखें 24 घंटे। और किचन का जो ये एरिया है, यहाँ पे बेसिकली जो मेरे बाहर के सोफे हैं वो यहाँ रख दूँगा अगर मेरे को बैठना होगा तो। और बाहर का जो हॉल का चीज़ें हैं, ये पूरा कारपेट है, ये पूरा आज क्लीन होने वाला है, वहाँ पे मैं सोता हूँ तो इसलिए उससे सामान पड़ा हुआ। और ये पूरा जो सेक्शन है ये मुझे पूरा का पूरा क्लीन करना है, सो डैट कि जब वो आए तो थोड़ा क्लीन लगे। जब हम एंट्री करते हैं बाहर से तो वो थोड़ा स्मेल कर रहा है, आई डोंट नो द रीज़न वाई, बिकॉज अगर आपने जिसने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो वो आई बटन पे क्लिक करके ब्लॉग देख सकता है। जब घर पूरा पानी 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 हो चुका था, आई थिंक उसके वजह से कारपेट थोड़ा ज़्यादा स्मेल करने लग गया, पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल एकदम फ्रेश था। तो अभी पता नहीं, आइडियली शायद वो एक रीज़न हो सकता है, सो इवन आई एम नॉट श्योर। तो अभी प्लान था इसको रिमूव करके नया डालना, बट वो भी दूसरे मटेरियल का जो किचन में लगा हुआ है। बट फिर हमने सोचा कि लेट्स सी, अगर वॉश होके क्लीन हो सकता तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज उसके जो धागे होते हैं वो भी रिमूव हो रहे हैं और धीरे धीरे वो, आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं, बट अभी लेट्स सी वॉश के बाद कैसा दिखता है। फिर हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 2:33, तो हमारे भैया आ चुके हैं जो क्लीनिंग करने वाले थे फ्लोर की, और मैं अभी किचन में हूँ। तो मैं आपको किचन दिखा देता हूँ कि वो अभी कैसा लग रहा है, बिकॉज मैंने हॉल पूरा खाली कर दिया, मैं अपने सोफे को मैंने किचन में एडजस्ट किया हुआ है। तो पहले वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ भैया के पास क्या मशीन है जिससे वो कारपेट को क्लीन करेंगे और उसको सुखा देंगे। गाइस, अभी किचन की हालत है, मैंने सोफे को, एक बड़े सोफे को मैंने यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है, और जो दूसरा जो है वो यहाँ पे सेट करके बैठना होगा तो हम बैठ सकते हैं। सो भैया अभी आ चुके हैं, तो भैया लाए हैं 2 मशीन। सो एक से होगी क्लीनिंग, सो एक से हो गया वैक्यूम। तो ये है 2 बड़ी मशीनें जिससे पूरा कारपेट साफ होगा। गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ आएगी तो ठीक है, वरना वैक्यूम की आवाज़ है। तो भैया कर रहे हैं ड्राई वैक्यूम, तो ड्राई वैक्यूम जितनी भी मट्टी है वो सब बाहर निकल आएगी। और जो भैया है वो वहाँ पे शैम्पू भर रहे हैं, सो दैट वो कारपेट में शैम्पू डाल के वो उसके से वॉश करेंगे, सो दैट इट विल बी वेरी क्लीन एंड जो स्मेल रहेगी वो भी निकल जाएगी। सो भैया अभी मशीन के अंदर शैम्पू और पानी का मिक्स बना रहे हैं। भैया का काम हो चुका है, और ये रहा पूरा साबुन का पानी। और देखो गंदगी कितनी, अगर आपको फोम से हल्की हल्की दिखती रहेगी तो आप देखो कितनी गंदगी निकली है। थैंक यू भैया क्लीनिंग के लिए। सो फोमिंग ऑफ कारपेट का काम आइडियली हो चुका है, सो अभी उसको चाहिए 3 से 4 घंटे सूखने के लिए, और को फैन चालू रखना पड़ेगा बेसिकली फॉर हॉल एंड फॉर द बेडरूम एज वेल। सो आप लोगों ने देखा कि कितना कचरा जमा हुआ पड़ा, तो अगर जिनके जिनके घर पे कारपेट है तो फोमिंग जो ये मशीन है आप ये बुलवा के आप क्लीन करवा सकते हैं। ये 1-2 घंटे का काम होता है, और उसके बाद उनको सूखने के लिए टाइम लगता है। तो वो आप मशीन पे देखो, वो हाई पावर वाली मशीन है। सो जैसे ही हो जाएगा मैं आपको इसके बाद का रिज़ल्ट बताता हूँ कि रिज़ल्ट क्या है।
तिवारी किधर आ गया? तिवारी हाँ, एक तो सोया हुआ है वो तो अभी तक तो जा ही रहा। मैं अभी आ चुका हूँ घर पे पापा के, तो मिलता हूँ आपको बाद में डायरेक्ट अपने घर पे जब पूरा सूख जाएगा और आपको बता दूंगा रिव्यू क्या है उसका। अभी थोड़ा आराम करता हूँ, चाय वाय पीता हूँ। हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:50, सो मैं तो पापा के घर से बहुत पहले ही आ चुका था। थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, खाना खा के बैठा हूँ आराम से, सोफ़ा भी लग चुका है घर पे। और जो हमने फोमिंग की थी वो थोड़ी बहुत सूख चुकी है, उसको सूखने को 3-4 घंटे नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज़ मेरे घर से डायरेक्ट अभी रात शाम के टाइम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती थी, उसके वजह से थोड़ा सूखने को टाइम लग रहा है। लेकिन काम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, मैं अभी आप लोग को काम दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ। और मेरे को, मैं तो सोया हुआ था और मुझे सरप्राइज़ दिया है नरेश भाई ने, तो आपको पहले ही मिल चुके नरेश भाई को मेरे काफ़ी व्लॉग्स में, तो अभी आगे व्लॉग्स में भी आएगा वो, गणपति के व्लॉग में भी आने वाला है बहुत ही जल्दी। सो नरेश ने मुझे सरप्राइज़ दिया यहाँ पर आके, आई डोंट नो उसको लगा था कि भाभी घर पे, बट भाभी घर पे नहीं है। अच्छे से हुआ है और इतने प्यार से हुआ है कि आपको लगेगा कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये देखिए, ये एकदम नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है। और मेरे अपने, मैं तो इसको मैं फ्रेश देख रहा हूँ फ्रेश, और इसको देखने में इतना लाइव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम नया नया कारपेट लगा हुआ है। ये इतनी अच्छी क्लीनिंग की है, टॉप क्लास क्लीनिंग, आई रियली लाइक इट, इट्स रियली रियली। एंड हॉल में भी वैसा ही है, देखिए जितने भी मेरे दाग थे, जो भी डस्ट लगी हुई थी, जम गई थी, डस्ट अटक गई थी, वो सारी की सारी उन्होंने निकाल दी। इट्स लुकिंग नाउ सो फ्रेश एंड सो न्यू। सो मैं करता हूँ व्लॉग एंड यहाँ पे, ये ब्लॉग भी बहुत जल्दी आ जाएगा तो आप लोग देख लेना। और अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो प्लीज़ मुझे DM कर देना है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं आप लोगों का नंबर फॉरवर्ड कर दूँ। अगर आपके घर पे कारपेट है, ऑफिस में है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ये काफ़ी चीज़ों में काम करते हैं रीजनेबल प्राइस। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा काम करते शायद आपको डिस्काउंट मिल जाए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम था तो मैंने डिस्काउंट कुछ मांगा नहीं। सो बट इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी बिकॉज काफ़ी अच्छा काम हुआ है, सो आई एम सेटिस्फाइड। मेरे लिए यही था कि सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हुआ हूँ। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, बाय बाय।